अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड 2015 में लेसन नंबर 107। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल ड्राइंग बनाएंगे जो कि रिंग से रिलेटेड होगी। और आज हम देखेंगे कि हम कोई मैकेनिकल रिंग या मैकेनिकल ड्राइंग में रिंग्स वगैरह किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं आटो कैड को ओपन करूँगा। तो ये जो ड्राइंग होगी ये कुछ इस शेप की होगी, इस तरह की ड्राइंग होगी। आप देख सकते हैं इस तरह की एक ड्राइंग होगी। ओके, तो मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से टॉप से फ्रंट पे आता हूँ और फ्रंट में मैं यहाँ से इसको देख के ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। एल इंटर, यहाँ से यहाँ तक 5 दे देता हूँ। अब यहाँ से इसे मैं एंगल दूंगा एट द रेट, लेंथ भी दूंगा और एंगल भी। तो उसके लिए आप एट द रेट लेंथ में इसको देता हूँ, फॉर एग्जांपल देखता हूँ कितनी लेंथ है, 15। लेंथ में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 और शिफ्ट को प्रेस करके लेस देन, और मैं इसको एंगल देता हूँ जी 53 का। ओके, और आप देखते हैं इसके बाद एट द रेट, फिर मैं यहाँ से एट द रेट लेंथ देता हूँ उसको 8 की और एंगल देता हूँ 78 का। ओके, और यहाँ से फिर एट द रेट मैं इसको स्ट्रेट में ड्रॉ करता हूँ और लेंथ इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 12। ओके, स्ट्रेट 12। ओके, जेड स्पेस ए स्पेस यू सी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ से अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने इसको लेंथ वगैरह दिए, और अब मैं इसको एक काम करता हूँ कि यहाँ से मिरर करूँगा एम आई एंटर, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को मिरर करूँगा इस कॉर्नर के मिड में से। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ हो गई, और अब मैं इसको ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 3 एंटर। तो बाहर वाली साइड पे मैं दूंगा ओ एंटर 1.8 एंटर। चैम्फर कमांड सी एच ए एंटर, एल एंटर, टी आर डबल इंटर, टी आर डबल इंटर, ओके। तो मेरे पास एक ड्रॉ हो गया जी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और अब मैं इसको यहाँ से इस व्यू में लेके आता हूँ टॉप व्यू में। ओके, देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब मैंने काम और करना था जो मैं भूल गया, टॉप पे मैं जाता हूँ फ्रंट में, सॉरी
काम ये था कि यहाँ से इसके कॉर्नर जो इनको मिलाना है, एल एंटर करना है यहाँ से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से। ओके ये काम कर लिया। करने के बाद अब मैं इसको जो है तो एक्सट्रूड करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से टॉप व्यू में आता हूँ। टॉप टॉप व्यू में आया और अब मैं इसको यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं इसको मूव करता हूँ। इस साइड पे ले आता हूँ इसको, इसको मैं लाता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 2.5, 2.5 इंटर। कंट्रोल जेड फिर यहाँ से टॉप व्यू में ही लेके जाता हूँ, सॉरी फ्रंट व्यू में ही लेके जाता हूँ। उस तरह एक्सट्रूड करना मुश्किल होगा, मैं फ्रंट व्यू में इसको ले आता हूँ और यहीं से इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। तो एक्सट्रूड करने के लिए मैं EXT एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इसको मैं देता हूँ जी कितना था 0.4। टॉप व्यू में यहां से जाके इसको मैं इलास्टिक में, इलास्टिक कंट्रोल सेट जीरो पॉइंट थ्री क्योंकि इसमें एंगल का फर्क है, इस वजह से ये एक्सट्रूड होने में थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए इसका एंगल खराब है, एंगल में मसला है। BO एंटर एक पॉइंट रीजन REG एंटर, अपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ स्पेस स्पेस करता हूँ, रीजन हो गया XT एंटर, जीरो पॉइंट फोर एंटर। और अब मैं इसको देखता हूँ जरा, और टॉप व्यू में से आता हूँ। ओके अब इस पे काम हो गया और इसको मैं यहाँ से इस पॉइंट में लेके आता हूँ। ओके तो देखें ज़रा, तो इस पे हमारे पास देखें ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। एक्सट्रूड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक्सट्रूड आपकी मर्जी, आप जितना भी इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से कंट्रोल जेड में करता हूँ दोबारा EXT एंटर 2 एंटर टॉप, थोड़ा ज़्यादा मैंने कर लिया, और यहाँ से रियलास्टिक व्यू में जाता हूँ। ओके अब सही हमारे पास मैकेनिकल इक्विपमेंट नज़र आ रहा होगा आपको बना हुआ,
और देख सकते हैं। अब वो जो हमारे पास ड्राइंग थी, उस ड्राइंग में इस तरह था कि अब मैं यहाँ से टॉप पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉरी, मैं यहाँ से इसमें फ्रंट में आता हूँ, उस ड्राइंग में यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ था। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ, टॉप व्यू में उस ड्राइंग में हमारे पास इस तरह एक ऑब्जेक्ट कोर यहाँ पे बना हुआ था, तो वो मेरे जहन में तो नहीं, मैं चलिए देखता हूँ। एल एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में। पॉलीलाइन लेता हूँ यहाँ से, 3D पी एल एंटर, और यही चीज़ जो है इसको मैं मूव करता हूँ एम एंटर, बल्कि मिरर करता हूँ एम आई एंटर, सेलेक्ट राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ, और प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ। थ्री फाइव एंटर, फाइव एंटर, टॉप शेट, ओके। तो आप देखें तो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। जो कि मैकेनिकल इक्विपमेंट है, और इसको भी आप अंदर से खाली करना चाहे तो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसे फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इस पर जो कमांड अप्लाई करूँगा वो करूँगा जी शेल कमांड अप्लाई करता हूँ, शेल कमांड अप्लाई करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट इसका सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस और 0.01, शेल कमांड, जीरो पॉइंट वन, चलो ये देख सकते हैं, और यहाँ पे भी इसको सर शेल करता हूँ, जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट वन,
0.1 फिर नहीं अप्लाई हुई क्यों, स्पेस फ्रंट 0.1 0.08। ओके यहाँ पे हो गया, लेकिन इसका जो बैक साइड वाला कॉर्नर है वहाँ से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास शेल कमांड अप्लाई हो गई है, और यहाँ से मैं इस पर टॉप पे जाता हूँ तो एक मैकेनिकल इक्विपमेंट ड्रॉ हो गया। और आप इसी इक्विपमेंट को अगर आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसके फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे और इसे आप बढ़ा सकते हैं। तो फेसेस एक्सट्रूड करने का क्या तरीका है, मैंने तो शेल कमांड अप्लाई कर लिया, लेकिन आप फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करेंगे, इसका ये जो फेस है फ्रंट वाला, इस फेस को सिलेक्ट करें और इसको एक्सट्रूड कर लें जितना मर्जी आप करना चाहते हैं। तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ 10। देखें ज़रा, फेस एक्सट्रूड हो गया, देख सकते हैं। तो ये शेल कमांड का जो हमारे अप्लाई किया था ये वो है, तो ये फेस भी इसके एक्सट्रूड हो गए। ओके तो ये था जी हमारे पास लेसन नंबर 107, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। और मैकेनिकल आप इक्विपमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मिरर करके भी आप काम कर सकते हैं। मिरर के लिए क्या तरीका है, आपने एम आई और इसके जो फेसेस हैं सामने फ्रंट वाले, इन फेस को ख़त्म करके आप इस पर काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं देखिएगा मैं इस पे काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए यहाँ से मिरर कमांड लेता हूँ, एम आई एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसे मिरर करना चाह रहा हूँ तो मिरर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और टॉप से मैं इसको फ्रंट में लेके आता हूँ। ओके अब मिरर करता हूँ, एम आई एंटर, अपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस कॉर्नर से फॉर एग्जाम्पल इस कॉर्नर से इसको मिरर करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मिरर हो गया, इसके एक्सट्रूड फेसेस करेंगे तो इसके फेसेस आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये एक टेक्निक्स है इसकी। और उसके अलावा आप यहाँ से मैं टॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे ले आया हूँ फेसेस के एक्सट्रूड करने। तो फेसेस एक्सट्रूड करने का क्या तरीका है, आप यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करें, फेसेस को सिलेक्ट करें इसके, फेसेस ज़्यादा बने हुए, लेकिन आप इसके फेसेस को सिलेक्ट करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा फेसेस में मसला है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो ये देखिए आपके पास एक मैकेनिकल इक्विपमेंट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं आप। तो मैं इसको तो डिलीट करता हूँ, सामने वाले को सामने रखता हूँ। ओके तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।